जब हमें गुस्सा आए तो कुछ बोलने से पहले सोचें कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। उस समय हम नॉर्मली भी बात कर सकते हैं, हालांकि यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कोशिश करें कि उस समय हम ऊंची आवाज़ में बिल्कुल भी बात ना करें। जब आपको गुस्सा आए तो उस जगह से चले जाएं जिस व्यक्ति पर हमें गुस्सा आ रहा है, तुरंत अपनी जगह बदल लें और शांत हो जाएं, और उस इंसान के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें जिस इंसान पर हमें गुस्सा आ रहा है। गुस्से को शांत करने का एक बहुत अच्छा उपाय है योगा। रोज़ सुबह उठकर योगा और मेडिटेशन करें। सुबह उठकर अच्छा सोचें, अपने जीवन के खुशहाल लम्हों को याद करें और अच्छे पलों की कल्पना करें। रोज़ सुबह उठकर सैर करें, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा दिमाग भी सकारात्मक रहता है। अपनी गलत आदतों को छोड़ें। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह भी गुस्सा बढ़ाने का काम करते हैं। यह तरीका काफ़ी अजीब है पर काफ़ी हद तक कारागार भी है। जब आपको गुस्सा आए तो किसी शांत जगह में चले जाएं और ज़ोर ज़ोर से चीखें और चिल्लाएं। जब हम अपने गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखते हैं तो वह कब ज्वालामुखी बन जाए हमें खुद पता नहीं चलता। जब गुस्सा एक ज्वालामुखी का रूप ले लेता है तो वह खुद के साथ साथ औरों का भी नुकसान करता है। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। नकारात्मक चीज़ों और लोगों से दूरी बनाकर रखें। सकारात्मक रहने के लिए जीवन में कुछ नई चीज़ें कोशिश करें और हमेशा सक्रिय रहें। गुस्से को काबू करने का एक अच्छा तरीका यह भी है कि गलती को भूल जाएं और उस व्यक्ति को माफ़ कर दें। उस व्यक्ति द्वारा की गई गलती को भूल जाएं और इस तरह से आप बेवजह के गुस्से से बच सकते हैं। अगर हम गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं तो रोज़ाना अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। ऐसी किताबें पढ़ें जो हमें सकारात्मक रखें। किताबें पढ़ने के साथ साथ हम खेल में खेल सकते हैं। खेल खेलने से हम गुस्से से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने के लिए हम संगीत सुन सकते हैं।